सबकी इतनी आशाएं थी कि हम जीते, लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है सबके लिए। क्या लग रहा था आपको, क्या कम स्कोर था या क्या लग रहा? हाँ, टोटल तो काफ़ी कम था, कम से कम 300 प्लस तो बनाना ही चाहिए था ऐसे फाइनल मैच में, तो वो तो सबसे बड़ी वजह थी। और अब लक ने भी साथ नहीं दिया, पूरा स्टेडियम इंडियन फैन से भरा हुआ था लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाया। शुरू के 10 ओवर उन्हें मैच में लाया था लेकिन हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। डेफिनेटली प्लेयर्स को हमसे ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, वी आर विद देम ऑलवेज। डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली था बिकॉज उम्मीदें बहुत थी। इंडिया डिड डोमिनेट द वर्ल्ड कप 2023 डेफिनेटली, एंड बहुत सारी हिस्टोरिक माइलस्टोन्स भी अचीव हुए हैं हमारे खास प्लेयर्स विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी, दे डन रियली वेल। बट आई थिंक आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम था, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, बैटिंग, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट, बट स्टिल चीयर्स फॉर इंडिया ऑलवेज। Of course, we were winning all the matches and suddenly we lost the match in the finals. Of course, we played well, but I think we were short of around 70 to 80 runs. If we should have scored more than 300, I think we should have chased very well match. Also, we were not able to get the wickets in the early, only 3 wickets we got it. Of course, if we could have like got out from Travis Head and we could have got out all the wickets, I think we should have won the match, but still, we have played very well in the all the matches and I wish best of luck. Which was slow. Yeah, I think we are bowling very well, but as you said, the bowling unit was very ball. The field was very slow, and we were short of 70-80 runs. We should have scored around 300 to 310. We could have won very easily, but at the end, we have like we were winning all the 10 matches. I wish them best of luck, and we'll win the match, inshallah. And Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Sir, I want to tell you one thing. This is not our day. Seriously, I'm telling you, we are not win, like not lost any one matches, but this match we are lost. This is our bad day. It's okay. We are proud to be an Indian to not lost any one match in the World Cup series. No one has lost anything. Okay. Still, we are Indian. Upcoming match, we win cup and proud to be an Indian. It's okay. We are to be an Indian, proud to be an Indian. मुझे लगता है कि टॉस से फर्क पड़ता है. अगर टॉस इंडिया जीता होता तो उन्होंने पक्की बात है चेज करना प्रेफर किया होता. पहले वो फील्डिंग करते हैं बिकॉज चेज इंडिया ने आज तक हमेशा बेटर किया है एज़ कम्पेयर टू पहले बैटिंग से. भाई कुछ हद तक फील्डिंग तो लूज है ही एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बाकी उन्होंने मेहनत तो पूरी की है इंडिया ने, वो तो कही गई. भाई अगर टॉस में हम चेज करते तो आई थिंक बेटर पोजिशन होती, वी वुड हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ बेटर वे. अगर आज हम बैटिंग नेक्स्ट सेकंड बैटिंग करते तो और इंडिया को पहले बैटिंग करा के ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करा के हम चेज करते स्कोर को, तो टॉस को थोड़ा लगता है मुझे कि टॉस इंडिया अगर जीत के पहले फील्डिंग लेता तो वो ज्यादा बेटर होता. बुरा लगता है कई बार जब यू नो काफी उम्मीदें होती है, काफी प्रैक्टिस भी करी होती है, उसके बाद भी जब हार जाते हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता है, बट स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए, द मोटिवेशन शुड बी देयर यू नो कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा खेले. वेरी डिसअपॉइंटिंग, लाइक मतलब एक तरफा ही हारे हैं और ड्यू फैक्टर भी आया लास्ट में, जैसे देखा कि ड्यू फैक्टर आ रहा है तो उसकी वजह से था. बॉल स्पिनर्स की बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, फास्टेस्ट बॉलर की यॉर्कर्स नहीं पड़ रही थी और ट्रैविस हेड फिर ही इज इन फॉर्म. हाँ ऑन डे ऑस्ट्रेलिया नहीं, ट्रैविस हेड लाइक ही टुक द गेम अवे, मतलब वही एक रीज़न था. अगर वहाँ पर ट्रैविस हेड की विकेट मिल जाती तो हम प्रेशर दोबारा से क्रिएट करते थे, बट वही है कि डेस्टिनी. शुरुआत में हालांकि भारत ने बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, रोहित का बहुत अच्छा स्टार्ट था, बट ये है कि रोहित ने थोड़ा लूज थोड़ा शॉर्ट खेला उस टाइम, थोड़ा और टिक जाता वो तो, क्योंकि फाइनल है उसको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी क्योंकि पिच जो है वो बहुत डिफिकल्ट था. तो यही है कि अब क्या ही है, उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद किए थे. चार साल बाद इंशाल्लाह नहीं भाई, इंडिया के खिलाफ क्या बोल सकते हैं लोग, सारे टीम अच्छी थी भाई.